वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर की, जिसे हम बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भी बोलते हैं। मैं भविष्य अग्रवाल कंसल्टिंग एमबीबीएस की इस वीडियो में आपको इस कॉलेज के बारे में सारी डिटेल्स दूंगा, कि कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, कि सीट मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, इसके ऑल इंडिया कोटा के बारे में बताऊंगा, इसके यूपी डोमिसाइल कोटा के बारे में बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, खास करके यूपी स्टेट के स्टूडेंट। इस कॉलेज में 15% सीट एमसीसी द्वारा अलॉट होती है, बाकी की 85% ऑफ द सीट यूपी स्टेट काउंसिलिंग अथॉरिटी द्वारा अलॉट की जाती है। हमने ये टॉप 7 गवर्नमेंट यूपी के जो कॉलेजेस हैं, इनकी लिस्ट कैसे बनाई वो भी आपको बता। ये टॉप 7 डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर है और ये टॉप 7 निकाले हैं ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी की रैंक के बेसिस पर। अब बात करता हूं इस कॉलेज की डिटेल्स की। अपनी सीरीज में हम एएमयू, बीएचयू और यूपी के दोनों एम्स की बात नहीं कर रहे हैं, उनके सेपरेट वीडियोस हैं, आप जाकर उस पर देखें और अपने डाउट क्लियर करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर की सीट मैट्रिक्स की, उसकी 2023 की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा के लिए और यूपी डोमिसाइल कोटा के लिए। पहले बात करता हूं सीट मैट्रिक्स की। सीट मैट्रिक्स, इस कॉलेज में जो टोटल सीट है वो है 150। इस 150 सीट में ऑल इंडिया कोटा की सीट है 22, यानी वो सीट जिसकी काउंसलिंग एनसीसी करेगी, जो 15% में आती है। बाकी की यूपी स्टेट कोटा की 125 सीट है, यानी वो सीट जो 85% के अंदर आती है और जिससे यूपी स्टेट डोमिसाइल कोटा लगेगा, यानी वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो यूपी के निवासी हैं। बाकी की 3 सीट सेंट्रल पूल में जाती है। ये सेंट्रल पूल क्या है, इसमें कैसे अलॉटमेंट होता है, कौन स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किनकी एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में मिस्ट्री ऑफ सेंट्रल पूल की हमारी एक सेपरेट वीडियो है, प्लीज सी इट एंड गेट योर डाउट्स एंड इंफॉर्मेशन क्लियर। बात करूंगा 2023 की ऑल इंडिया कोटा की सीट की। टोटल सीट 22 है। ये 22 सीट ओपन कैटेगरी की, क्लोजिंग रैंक जो 2023 में रही वो थी 5,284 और मार्क्स एस क्लोजिंग रैंक के 656। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक वाज 6,880 एंड मार्क्स एस क्लोजिंग रैंक वाज 650। इन ओबीसी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक वाज 6,630 एंड मार्क्स एस क्लोजिंग रैंक वाज 651। इन एसटी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक वाज 50,313 एंड मार्क्स एस क्लोजिंग रैंक वाज 568। In ST category, the closing rank was 78,296 and the marks as the closing rank was 533. OBC PWD category भी मैंने यहाँ पर दे रखी है, उसका भी closing और marks as the closing rank दिए हुए हैं। जो student UP के इसमें fall करते हैं या all India quota के इसमें fall करते हैं वो इसको देख सकते हैं। आगे बात करूंगा UP state domicile वालों की। total जो seats है वो 125 है, 125 seats। इस 125 seats में URP यानी unreserved boys कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 9,206 और मार्क्स उसका क्लोजिंग रैंक थी 642। अनरिजर्व गर्ल URGL क्लोजिंग रैंक 8,777 एंड मार्क्स उसका क्लोजिंग रैंक 644। EWOP यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बॉय क्लोजिंग रैंक 10,409 एंड मार्क्स उसका क्लोजिंग रैंक 639। EWGL यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन गर्ल की क्लोजिंग रैंक वॉज 10,106 एंड मार्क्स उसका क्लोजिंग रैंक 640। BCOP यानी OBC boy क्लोजिंग रैंक 10,929 एंड मार्क्स उसका क्लोजिंग रैंक 637। BCGL यानी OBC गर्ल्स कैटेगरी क्लोजिंग रैंक 10,574 एंड मार्क्स उसका क्लोजिंग रैंक 638। SCOP शेड्यूल कास्ट बॉय क्लोजिंग रैंक 93,297 एंड मार्क्स उसका क्लोजिंग रैंक 516। SCGL शेड्यूल कास्ट गर्ल्स क्लोजिंग रैंक 89,903 एंड मार्क्स उसका क्लोजिंग रैंक 520। बात करूंगा अदर कैटेगरीज की भी। STOP यानी शेड्यूल ट्राइब बॉयज, STGL शेड्यूल ट्राइब गर्ल्स, PH माने फिजिकली हैंडीकैप, SF माने फ्रीडम फाइटर और EX माने एक्स आर्मी पर्सन। जो स्टूडेंट इन कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो वो भी अपनी क्लोजिंग रैंक और मार्क्स ऑफ क्लोजिंग रैंक देख सकते हैं। हमारे यूपी के विद्यार्थी यानी यूपी के स्टूडेंट विशेषकर ध्यान दें कि यूपी डोमिसाइल लगाने का फायदा क्या होता है। ऑल इंडिया कोटा के तहत जैसा मैंने आपको बताया कितने मार्क्स पर एडमिशन हुआ जनरल वालों का, वो एडमिशन हुआ 656 मार्क्स पर, मगर यूपी वालों का एडमिशन कितने मार्क्स पर हुआ, यूपी वालों का एडमिशन हुआ 642 मार्क्स पर। ये डिफरेंस है, इसका बेनिफिट आपको उठाना है और इस बेनिफिट को उठाने के लिए यदि आपको कहीं हमारी सहायता की आवश्यकता है
यदि कहीं आपको हमारी गाइडेंस की आवश्यकता है, देन कॉल अस एट द गिवन सपोर्ट नंबर्स, कॉन्टेक्ट अस एंड वी विल बी हैप्पी टू सर्व यू, वी विल बी हैप्पी और हमें आपकी सहायता करने में बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच, स्टे फोकस स्टूडेंट, कीप वर्किंग हार्ड।